तराई के साथ। ठीक है ये बहुत बेचारी खाम खा करता है, तकलीफ से जिंदगी ज्यादा देती है, बहुत उनके लिए निजात साबित हुई। लेकिन मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है कि उन्होंने कई तरह फिल्म लाइन वालों से कहा, दोस्तों से कहा, रिश्तेदार तो हर कोई ज्यादा थे नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फैन से भी रिक्वेस्ट की कि मैं फ्री हूँ, मुसीबत बीमार भी हूँ और अदालतों में केस भी चल रहे, पुलिस केस भी चल रहे, कोई मेरी मदद कर, कम से कम फिल्म लाइन नहीं सामने आती, मेरे फैंस आए और मेरी मदद करें, ये सोच के कि मैं जिंदगी भर एट द सेम टाइम ये भी जाना चाहिए, जब वो आपके शो में आई थी फूल की लाइन बचपन बचपन में, तब कुछ उसकी याद बताई थी, उसकी याद हुआ फूल की तो बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, बेहद जोड़ियत और प्यारी फिल्म के पर्दे पे आज उनकी फिल्म में देखो तो लगता है कि आसमान का एक चमकता हुआ सितारा, वो अब मैं और भी भूल खाऊँ। साधना जी हमारे बीच में नहीं है, क्या साधना जी हमारे बीच नहीं रही, और जो भी इस दुनिया में आता है वो एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, लेकिन साधना जी बहुत दुखी होके गई, आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल तनह थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनके साथ रहने वाला, केयर करने वाला कोई भी नहीं था। वो कहती थी मौत तो बेचारी बदनाम है, ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ देती है, और वाकई जब तक वो जिंदा रही आखिरी दिनों तक बेहद तकलीफ़ में रही, उन्होंने बहुत गुहार लगाई, दोस्तों की रिश्तेदार तो खैर थे नहीं, पति भी नहीं थे, माँ भी वो नहीं बन पाई, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि जब भी कोई खुशी का मौका होता है सब पहुँच जाते हैं, थोड़ी बहुत शर्म हो तो अंतिम संस्कार में भी आ जाते हैं, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में पर्सनली कौन आदमी या कौन औरत कैसे जी रही है, किन हालात में जी रही है, कोई खबर नहीं लेता, मैं बस मेरे से बोला नहीं जा रहा। थैंक यू मैम।